गाइस वेलकम टू दिस व्लॉग। सो आज का जो टॉपिक्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये। मतलब मोस्टली इंडियंस इस टॉपिक्स को बहुत हल्के से लेता है एंड वो बहुत ही प्रॉब्लम में फंसता है। सो ये जो टॉपिक्स है ये दिस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सभी का लाइफ में एक एसेंशियल पार्ट होता है। तो हम लोग मतलब जो नॉर्मल लोग होता है इंश्योरेंस अरे इंश्योरेंस का फोन आया बेकार है ये है वो है, बट इसको हम लोग उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है। बट मैं आपको बोलता हूँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है। सपोज आप प्लान कर रहे हो, सपोज आपका उम्र 40 साल है, 50 साल है, 30 साल है, व्हाटएवर आप प्लान कर रहे हो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। आपको 50 साल में या 60 साल में फाइनेंशियली फ्री होना है। सपोज यू आर टारगेटिंग फॉर 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, वट एवर द टारगेट अमाउंट इज। ओके, सो बट आप लोगों ने कभी ये सोचा है, मतलब आप तो ये टारगेट अचीव कर रहे हो, इससे पहले आपका कुछ हो जाए, मतलब आपका जो टारगेट रह जाए या आपका जो लोन्स है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसका क्या होगा? आपका घर के लिए EMI है, आप 1 करोड़ का घर ले लिया, आपका घर के लिए 80 लाख EMI अभी बचा है, कल खुदा ना खास्ता आपका कुछ आपके साथ कुछ हो जाए तो उसका कौन देखेगा? मतलब उसका बर्डन, उसका जो लोन, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका फैमिली वालों को उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है आपका जितना अर्निंग्स है इसका 20 to 25 times एटलीस्ट आप टर्म इंश्योरेंस लेके चलिए। ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है, ये आप मतलब सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो, मतलब बहुत सारा लोग कैसा करता है, मैं LIC का टर्म इंश्योरेंस ले लेता है, एंडोमेंट प्लान कराता है, बट एंडोमेंट प्लान इज ए वर्स्ट डिसीजन आई वुड सजेस्ट। बेस्ट है आप एकदम बेसिक वैनिला टर्म प्लान लीजिए जिसका आपको प्रीमियम कम आएगा। सपोज आप एक आम आदमी हो, आपका 30-40 हज़ार रुपया महीने का सैलरी है एंड आपका 4 लाख का 5 लाख का पैकेज है, तो आपको अराउंड 1 ईयर का आपको टर्म इंश्योरेंस 20 to 25 times टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो उसी का हिसाब से आपका जितना एनुअल इनकम है उसका 20 to 25 times आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। एंड टर्म इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस, इट विल कवर योर लाइफ। सपोज आपका कुछ हो गया तो आपके ऊपर जितना बर्डन है, जितना लोन है, जितना लाइबिलिटीज है, पूरा कवर तो करेगा ही। एंड उसके बाद आप जिसको नॉमिनेट करोगे टर्म इंश्योरेंस तो उसको पूरा पैसा मिलेगा। सो टर्म इंश्योरेंस इज टैक्स फ्री एंड टर्म इंश्योरेंस इज बेस्ट ऑप्शन। मीन्स आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, आप लोगों ने गोल अचीव करने का प्लान कर रहे हो एंड साइड में आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लान एज ए टर्म इंश्योरेंस आपको लेना ही है। मतलब प्लान ए सक्सेस होने के लिए टाइम लगेगा, खुदा ना खास्ता आप मतलब आपका कुछ हो गया तो प्लान बी में कम से कम आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लान बी में आप सक्सेस पा जाओगे। तो यही था टोटल मतलब चीज। चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो गाइज आप लोग मेरा फोन स्क्रीन पे आ गया हो एंड मैं सीधा खोल लेता हूँ टर्म इंश्योरेंस का एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप लोग आपका एज दे रहे हो, सपोज आपका एज है 30 ईयर्स एंड आपका जेंडर दे रहे हो मेल, रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन रेजिडेंस, इनकम ब्रैकेट सपोज मैं पकड़ लेता हूँ आपका 3 to 6 lakhs के अंदर है। स्मोक टोबाको आप लोग नहीं कंज्यूम कर रहे, टोबाको जो कंज्यूम करेंगे उसको US डालना, क्योंकि ये मतलब सही बोलना है, क्योंकि आप सही नहीं बोलेंगे तो ये क्लेम के टाइम में ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बाद मैं व्यू कोटेशन में जा रहा हूँ। तो व्यू कोटेशन में जाने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, सम एश्योर 75 lakhs। तो इस इनकम ब्रैकेट में मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है 75 lakhs तक मिलेगा एंड पॉलिसी टर्म यू कैन सिलेक्ट फॉर 45 ईयर्स। सपोज आपका 30 साल उम्र है, आप कवरेज ले रहे हो 75 तक, मतलब 75 के अंदर आपका कुछ हो गया तो आपको 75 lakhs रुपीज मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना कितना पॉलिसी आ रहा है। एक पॉलिसी आया है मैक्स लाइफ का, यहाँ पे दे रहा है 13,886 रुपीज फॉर 45 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको 80C के अंदर टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा ये पॉलिसी कराएंगे तो, एंड इसमें आपको टर्म इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट मिलेगा। सपोज आपका 1 करोड़ का घर है, उसको आप सोच रहे हो
मतलब कुछ मतलब दिक्कत हो जाएगा तो उसका क्या होगा, लोन कैसे देंगे, तो उसको आप डायरेक्ट वहाँ पे असाइन करवा सकते हो होम लोन के साथ, या कोई अदर लाइबिलिटीज है तो उसको भी आप असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे HDFC लाइफ का भी आपको देखने को लिए मिल रहा है 15,000 का, मैक्स लाइफ का आपको 21,000 का है। तो ऐसे बहुत सारा है, ये देखिए ये अप टू 10 ईयर्स देना है ओनली, तो उसके बाद 30 ईयर्स ये फ्री देगा, तो उसी लिए 60,000 पर ईयर ले रहा है। तो आपके जो हिसाब से आप ले सकते हो, आप जो कंफर्टेबल है वो ले सकते हो। तो ये सभी अच्छा प्लान है, मतलब HDFC लाइफ भी अच्छा है, सभी अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी काफी अच्छा है HDFC लाइफ का, तो ये आप देख लेना देन। सो गाइज, आप लोगों ने देखा मतलब कैसे टर्म इंश्योरेंस काम करता है। बहुत सारे लोगों को तो टर्म इंश्योरेंस एंड टर्म डिपॉजिट का डिफरेंस भी नहीं पता है, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोगों को जितना भी कमेंट है, जितना भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड नीचे दिया हुआ लिंक से आप जाके आपका एलिजिबिलिटी चेक करके, आपका इनकम के ऊपर आपका एलिजिबिलिटी चेक करके आप लोग वहां से टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं है, दिस इज मैंडेटरी, ये लेना ही चाहिए। कोई अर्निंग्स मेंबर हो, मतलब आप सिंगल अर्नर है, आप मतलब आप पूरा फैमिली चलाते हो, तो आपके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टर्म इंश्योरेंस लेना। सो दिस इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड नॉट अवॉइड दिस। सो आई थिंक यू गाइज लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों में या रिलेटिव्स में बांटिए, ताकि सबको फाइनेंशियल नॉलेज पता चले। क्योंकि बहुत सारा इंडिया का लोग है, मतलब अभी उतना एडुकेट नहीं हो रहा है इंडिया फाइनेंशियली। अभी बहुत सारा लोग जो यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो या दूसरा का वीडियो देख रहे हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल शुड फाइनेंशियली एडुकेट। मतलब इंडिया में एक दिक्कत होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे चलूँ, ये नहीं है, वो नहीं है, वो चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ये दोबारा ना फेस करना पड़े। मतलब आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ मैं लेके जाने का कोशिश कर रहा हूँ विथ ऑल दिस प्रोटेक्शन। सो गाइज, आई थिंक ज़्यादा बोल दिया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एविस ब्लॉग साइनिंग आउट। बाय बाय।